Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? What the hell do you think of yourself? और तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम पूर्वी को जानते कितना, उसके बारे में इतनी सारी अफवाह फैला रहे हो? Who the hell are you? अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? जो सच था वो कहा? Bullshit. Do hell with your such. Do you get it? Honestly speaking, अगर पूर्वी तुम्हारी कंपनी में नहीं होती ना, तो जो टेंडर तुम्हें मिला वो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलता। कुछ तुम्हारी तो औकात है नहीं मुझसे कंपीट करने की, और किसी के बलबूते पे तुम आकर क्यों ब्लडी ट्राइंग टू फाइट? यू सच अ लूजर मैन। लुक, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हां वैसे भी वो ऑलरेडी ये कंपनी छोड़ के जा चुके हैं। हाँ बस एक बात का दुख है कि उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए। यू आर अ डिस्गस्टिंग मैन। उसका फायदा नहीं उठा पाया? डू यू हैव एनी आइडिया कि तुमने तुम्हारी कंपनी के लिए कितना बड़ा लॉस किया है? वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय थी, शी वाज अ ब्लडी एसेट। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अपनी कंपनी से कभी नहीं जाने देता। तो रख लो ना, काम का काम भी होता रहेगा और जो तुम्हारा चैप्टर अधूरा रह गया वो भी पूरा हो जाएगा। नो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। हां तो शट अप यार। आई एम सॉरी ओवी, वो मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू दिस गाय, ही सर्विस इंडस्ट्री से, ही इज अ डिस्गस्टिंग मैन। कोई आजकल की दुनिया में ऐसे लोग हैं? आई क्या हुआ? पूर्वी के बारे में कुछ बोल रहा था। एग्जैक्टली और पूर्वी के बारे में कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है, ऐसी अफवाह कैसे फैला सकता है? वो सिर्फ उसकी उस पोजीशन पे होने का फायदा उठा रहा था। ही इज अ डिस्गस्टिंग मैन। अर्जुन एक काम क्यों नहीं करते, पूर्वी को इसी ऑफिस में जॉब दे देते? मतलब इससे हमारे ऑफिस का भी काम होते रहेगा और तुम्हारा भी। व्हाट डू यू मीन? अर्जुन अगर पूर्वी को हम यहाँ जॉब देते हैं तो कम से कम तुम्हें मुझे झूठ बोल के उससे शादी में मिलने तो जाना नहीं पड़ेगा ना। मतलब तुम रोज रोज यहाँ पे ऑफिस में तो उससे मिल ही लोगे। वो भी क्या बकवास कर रही हो तुम? व्हाट आर यू सेइंग? अर्जुन मैं वही कह रही हूँ जो मैंने खुद देखा। हाँ तो आई थी वो वहां पर, तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या? और वैसे भी मैं ये रात की कल रात को तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे? मतलब कोई तीसरा मुझे आकर बता रहा है उसके बाद? मैं कैसे बताऊं? Do you know who you are? तुम्हें समझ में आता है कि तुम क्या कहती हो? अगर कल रात को मैं तुम्हें ये बात बता देता तो हमारा जो झगड़ा है वो झगड़ा नहीं बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता। That's exactly how it's been. तुम कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं करती और सिर्फ हमारे बीच का झगड़ा कम करने के लिए मैंने कल रात को तुमसे ये बात नहीं कही। I was waiting कि सही समय आएगा मैं तुम्हें ये बात बता दूं। और it's not a big deal. उसका और मेरा वहां पर मिलना it was a coincident. Coincident? तुम्हारा उससे वहां मिलना coincident था। लेट नाइट तक तुम लोग की बातें चलती रही। अर्जुन ये सारा कोइंसिडेंट था? देखो उसका शादी में आने के बाद मेरा उससे मिलना सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो एक मुसीबत में फंस चुकी थी। एक और झूठ। झूठ नहीं बोल रहा मैं। Why would you not believe me? That's exactly the problem. तुमने आज तक कभी यकीन किया है? You never believe me. और देखो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। अगर इस मामले को तुम शांति से मेरा हस्बैंड अपनी एक्स फियांसे के साथ रात में घूम रहा था, मुझसे चुप चुप के उससे मिलने जाता है, उससे बातें करता है। अरे एक्सपेक्ट नहीं की ये सारी बातें शांति से सुने आगे लॉस्ट इट। लेट इट बी ओवी। तुम्हारी और मेरी शादी होने से पहले हम दोनों दोस्त हैं। डू यू रिमेंबर? अगर तुम हमारी शादी की इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम हमारी दोस्ती की इज्जत करो। ये दुनिया इट्स अ विशियस सर्कल। आज नहीं तो कल मैं हर वक्त पूर्वी से कहीं ना कहीं मिलता रहूंगा। आई विल सी हर एवरी डे। हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं और अगर हर बार जब मैं उसे मिलूंगा तो इसी तरह मेरे सामने आके झगड़ा करूंगी। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओवी मैं अपने पास से निकलने की कोशिश कर रहा हूं और इन सब से निकलने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और ये सब दिखाकर मुझे तुम मदद नहीं कर रही हो। यू आर जस्ट मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट। अर्जुन जिस तरह तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो मैं भी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करती हूं। अब तुम मेरे हस्बैंड हो तुम्हें समझ नहीं आता है? और कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकती। मुझे चाहिए वो मैं देखती हूँ। सचिन न्यूज नहीं देखने। सचिन अरे क्या हुआ बेटा? आज सचिन कहाँ है? अरे होगा इधर अंदर। किधर? सचिन। हाँ बाबा। वर्षा और बालन की जमानत तूने करवाई? हाँ बाबा। तू पागल हो गया क्या? क्या जरूरत थी ये सब करने की? सोहम की जमानत करने का नतीजा तू देख चुका है ना? फिर
तू जानता नहीं, बहुत खतरनाक औरत है वो। वो किसी भी हद तक गिरकर कुछ भी कर सकती। इतना सताया उसने हमें, फिर भी तूने उसकी जमानत करवाई, क्यों, किस लिए, किसके कहा तुझे सब करने के लिए? मैंने कहा था माना। मेरे कहने पर सचिन ने वर्षा और बालन की जमानत कराई। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अकेले आओ मेरे साथ। तुम कभी नहीं सुधरोगी ना। कोई तुम्हारे गले पर छुरी भी रख दे, तुम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ोगी। अर्चना, आज की तारीख में हालात क्या हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। सोहम की जमानत हमारे लिए कितनी महंगी पड़ी, उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार खतरे में, और ऊपर से तुमने वर्षा और बालन को जेल से छुड़वा है। मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया बालन, मेरी भी मजबूरी थी। मतलब ये है मानव की जिंदगी में पहली बार मेरी सोहम ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उसे मना नहीं कर पाई। अर्चना, तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। मानव, वो आज मुझे सोहम मिला था मार्केट में, और उसने मुझसे कहा कि मैं सचिन से कहकर वर्षा और बालन की जमानत करा दूं, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो यहाँ आकर किसी को परेशान नहीं करेगा, इसलिए मैंने ये। लेकिन अर्चना, मानव, हमने तो सोहम को अपना लिया, लेकिन सोहम ने हमें अब तक नहीं अपनाया। मानव, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अभी वो हमें अपने माँ बाप नहीं मानता, और जब तक नहीं मानता तब तक हमें ये संघर्ष करना ही होगा। बच्चा चाहे बीच रास्ते में अपने माँ बाप का हाथ छोड़ दे, ये उसकी मर्जी है। कि माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ सकते मानव, और मैं पूरी मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं सोहम को सही रास्ते पर ला सकूं। लेकिन अर्चना, मैं उसकी आई हूं मानव, उसे कैसे गलत रास्ते पर जाने दूं? मैं उसका अतीत नहीं बदल सकती, लेकिन कम से कम उसे एक अच्छा भविष्य दे सकती हूँ, उसे अच्छा ही सिखा सकती हूँ, और इसमें मुझे मेरे पूरे परिवार की जरूरत है, आपकी जरूरत है मानव। मेरी बात का यकीन मानिए, मैं एक दिन सोहम को वापस घर लाऊंगी, उसे अच्छा बनाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। अर्चना, शायद तुम समझ नहीं रही हो कि सोहम को इस घर में लाने का मतलब क्या हो सकता है, क्या अंजाम हो सकता है। हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ तो यही मिल गई, नहीं तो हम तुमको और तुम्हारे पति को आखिरी चेतावनी देने के लिए तुम्हारे घर आने वाले। अब एक बात अच्छी तरह से कान खोल कर सुन ले, हमको पता है तुम और तुम्हारे पति दोनों मिलकर हमसे हमारे लाला को छीनना चाहते, तभी उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए पहले उसकी जमानत करवाई, उसके बाद हमारी जमानत करवाई। अब आगे से सब नाटक नौटंकी जो है ना वो बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे पिछले 18 साल से बाप बनकर लाला को संभाले हैं हम, उसके जिंदगी पर अब सिर्फ हमारा अधिकार। अगर तुमने, तुम्हारे पति ने या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा, हमारे अधिकार को हमसे छीनने की कोशिश की, हमारे लाला को हमने छीनने की कोशिश की ना, तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा, एक एक को काट काट के फेंक देंगे। ए,
उसके पहले Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।